आजकल बॉलीवुड के नए सुपरस्टार्स पुराने वालों को पानी पिला रहे हैं। अब इसमें ताजा नाम शामिल हो चुका है टाइगर श्रॉफ का। एक तरफ जहां ऋतिक रोशन के नाम की ढेरों चर्चा होने के बाद टाइगर श्रॉफ को रैम्बो रीमेक में फाइनल किया गया, वहीं टाइगर ने अगला झटका दिया है सलमान खान को। सूत्रों की माने तो टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान को क्षणम रीमेक से रिप्लेस कर दिया है। फिल्म के राइट्स साजिद नाडियाडवाला के पास थे और इसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ फाइनल थे। गौरतलब है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ इस फिल्म में एक कपल बने थे जिनका ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन हालात उन्हें वापस साथ लाते हैं। सलमान एक ऑफिसर की भूमिका में थे और कैटरीना एक ऐसी माँ जिसकी बच्ची किडनैप हो जाती है। उस बच्ची का जान बचाने में कैटरीना की मदद करते वही पुराने प्रेमी सलमान खान। अब इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ की जगह टाइगर श्रॉफ और दिशा पट्टानी है और फिल्म का नाम है बागी दो। जी हाँ, बागी दो क्षणम का रीमेक है जिसके राइट्स काफी समय से साजिद नाडियाडवाला के पास थे। बागी दो के डायरेक्टर अहमद खान। टाइगर श्रॉफ ने अपने छोटे से करियर में स्टारडम की सीढ़ी कितनी तेजी से चढ़ी है ये आप खुद देखिए। डैश हीरोपंती से पहले ही फेमस हीरोपंती से टाइगर श्रॉफ ने डेब्यू किया है, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही टाइगर श्रॉफ के स्टंट्स और मार्शल आर्ट्स की चर्चा हर तरफ थी। कम से कम एक बात तो तय थी कि टाइगर श्रॉफ नाम का एक लड़का है जो एक ही काम जानता है, पर वो काम उससे बेहतर शायद ही इस इंडस्ट्री में कोई जानता है। बॉक्स ऑफिस नंबर एक बॉक्स ऑफिस पर भी टाइगर श्रॉफ का रिपोर्ट कार्ड शानदार रहा है। उनकी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक वो हर फिल्म के साथ आगे बढ़े हैं। अब ये उनकी फैन फॉलोइंग हो या फिर उनकी किस्मत, लेकिन टाइगर श्रॉफ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट है। 100 करोड़ क्लब तक का सफर। टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म हीरोपंती 25 करोड़ के बजट पर बनी थी, लेकिन फिल्म ने 72 करोड़ की कमाई कर सबको चौंका दिया। वहीं बागी में केवल टाइगर के स्टंट्स की बदौलत फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री पाली। बागी का बजट 35 करोड़ था। फ्लॉप होकर भी टाइगर श्रॉफ की आखिरी फिल्म डॉलर फ्लाइंग जट बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लोगों को पसंद भी नहीं आई। फिर भी 35 करोड़ की इस फिल्म ने 56 करोड़ की कमाई करके मुनाफा ना सही अपनी लागत तो निकाल ही ली थी। ऋतिक से होती है तुलना, ऋतिक रोशन के बाद शाहिद कपूर डांसिंग स्टार की तरह चमकने वाले थे, पर ऐसा हुआ नहीं। ऋतिक की तुलना वाला स्टार अगर किसी को माना गया तो वो है टाइगर श्रॉफ। उनके अंदर बॉलीवुड के डांसिंग स्टार बनने वाले सारे लक्षण हैं और ये बात वो अपनी फिल्मों और सिंगल गानों से साबित कर चुके हैं। मुन्ना माइकल से लगनी थी मुहर। टाइगर श्रॉफ की फिल्म मुन्ना माइकल में टाइगर माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट दे रहे हैं और इस फिल्म के पोस्टर से ही लोगों ने उन्हें पास कर दिया था। माना जा रहा था कि जिसने भी फिल्म के पार्ट्स देखे हैं उसने ये कह दिया है कि फिल्म से टाइगर श्रॉफ अपना झंडा गाड़ देंगे। हालांकि फिल्म अच्छी नहीं है पर टाइगर को किसी ने बुरा नहीं कहा। बेस्ट एक्शन हीरो अब टाइगर एक्टिंग भले ही ना कर पाते हों, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो इस समय बॉलीवुड में एक्शन के लिए बेस्ट इंसान है। हालांकि अभी तक उन्होंने जितना एक्शन दिखाया है वो शायद उनके टैलेंट का 1% है, लेकिन इसके बावजूद टाइगर बिजनेस में बेस्ट है। उनकी जेनरेशन का कोई एक्टर उनके आसपास कहीं नहीं फटकता। कमतर एक्टर लेकिन बेस्ट एक्शन स्टार। रैम्बो रीमेक पर सलमान खान से लेकर ऋतिक रोशन की नजर थी, लेकिन फिल्म टाइगर के हाथ आई। इसका मतलब साफ है कि एक्शन अवतार की बेस्ट चॉइस टाइगर श्रॉफ हैं और इस फिल्म से वो एक्शन किंग बनने को तैयार हैं। अगले सुपरस्टार का स्वागत करिए। तो बस अब टाइगर श्रॉफ अपनी स्टारडम पाने से एक ही कदम दूर हैं और इस फिल्म के साथ बॉलीवुड को उसका एक्शन की अंग मिल जाएगा। वहीं सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि रैम्बो पूरी सीरीज है, ऐसे में अगर टाइगर पर पूरी सीरीज प्लान कर ली जाती है तो उन्हें बॉलीवुड में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा।